कर रहा था, आपने विकास बहुआयामी विकास किया, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं इस बात को नकार नहीं सकता और जनता भी जानती है। लेकिन जैतारण की जनता आपको स्वीकार क्यों नहीं करती, आपको वोट कम क्यों, आमतौर पर वोटों की गणित देखा जाए तो आप पीछे क्यों हो, जबकि आप विकास की दृष्टि से इस शहर को जितना ऊपर करना था आपने किया। देखिए अब ये तो परिस्थिति होती है चुनाव की, चुनाव में इस बार रुझान मेरे पक्ष में था, कई बार पोलिंग बूथ मैनेजमेंट कर, मैं जैतारण शहर की बात कर रहा हूँ, शहर में कोई मैं ज्यादा पीछे रहता नहीं हूँ। लेकिन एक मेरी मन में एक टीस है और सहित आपको भी इस बात का होगा, आपने ससुराल में तो सड़क बना दी लेकिन अपने पीर में अब तक सड़क नहीं बनवाई। बात ससुराल और पीहर की नहीं है, ये पूरा देश, ये पूरा जैतारण शहर मेरा परिवार है, इसमें कोई ससुराल पीहर की कोई बात नहीं है। लोग मुझे शिकायत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। आज जैतारण न्यूज के साथ है जैतारण क्षेत्र के किसानों के नेता जननायक के रूप में भी इन दिनों प्रसिद्धि पा रहे श्रीमान दिलीप जी चौधरी, जिनका जैतारण न्यूज की ओर से स्वागत है। थैंक यू सर। दिलीप जी चौधरी भी के बारे में बताना चाहूंगा, जिस स्थान पर हम आज और आप और हम बैठे हैं, 14 अप्रैल 2009 में इसी स्थान पर हम दोनों आए थे। उस समय ये जो स्थान देख रहे बहुत बंजर भूमि था, मैंने इनको कहा भी था, इनके मन में एक परिकल्पना थी कि मैं जैतारण में एक शांतिवन पार्क के रूप में विकसित करूं, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि इस बंजर भूमि में भी कुछ हो सकता है कि, लेकिन आज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मेरे इस वीडियो के मार्फत देख पा रहे होंगे कि आज जैतारण नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान का ये सार्वजनिक उद्यान अपने आप में एक अनूठा उद्यान है, जो इनकी मेहनत की बदौलत ही आप जो देख रहे हैं। जैतारण का जो इंदिरा गांधी सार्वजनिक शांति पार्क है, ये श्रीमान दिलीप जी चौधरी की ही देन है और इनकी मेहनत का ही परिणाम है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा आपने इसके बारे में मेहनत की और अब क्या मेहनत करने जा रहे हो, चूंकि आप विकसित हो चुका है। इंदिरा गांधी शांति पार्क का शुभारम्भ शिलान्यास 14 अप्रैल 2009 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई और लंबे समय तक मैं व्यक्तिगत तौर से इस पार्क को विकसित करने में लगा रहा। इसमें सभी पर्यावरण प्रेमियों का और सहयोग रहा और आज आप देख रहे हो कि बहुत ही शानदार ये पार्क जो है, आज हजारों पौधे इसके अंदर है, आज लॉन भी है, बच्चों के गार्डन भी है, एक्यूप्रेशर गार्डन भी है और बहुत ही शानदार तरीके से अभी विकसित होना और भी बाकी है, तो उस रूप में एक शानदार जगह बन गई। और मेरे पूर्व विधायक कार्यकाल में ये करीब 30 बीघा भूमि नगरपालिका के पक्ष में हमने राज्य सरकार से आवंटित करवाई और पीछे करीब 100 बीघा जमीन जो शांति वन के रूप में फॉरेस्ट विभाग के तहत हमने उसको उसका डेवलपमेंट करने का हमने उस प्रयास किया, तो ये बहुत बड़ा एक इस रूप में ये जगह लोगों के लिए, 36 कौम के लिए विकसित हो गई कि आज पूरे इलाके के लिए ये इंदिरा गांधी शांति पार्क जो है, जिसका उद्घाटन 2013 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब के कर कमलों द्वारा हुआ था और बहुत ही बड़ा जलसा हुआ था, तो ये पूरा बगीचा जो है ये जैतारण इलाके के नहीं पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए समर्पित है। दिलीप जी चौधरी साहब, एक सवाल जानना चाहूंगा, चूंकि आप चुनाव हार गए थे और आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन उससे पहले आपने खूब सारी मेहनत की, 5 साल वो कैसा निकला जिस समय इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, आप एकमात्र अकेले थे, चूंकि नगरपालिका भी आपके पक्ष में नहीं थी, उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ, चूंकि आप मुझे पता है आप नियमित रूप से आते, आप अपने बच्चे की तरह इन पौधों की देखभाल करते, तो उस वो 5 साल कैसा निकला आपका, अब तो आपका बोर्ड भी है, आपकी सरकार भी है। मैं विधायक था तब भी रोजाना जब भी जैतारण होता या नियमित रूप से आता था और उसके बाद हम चुनाव हार गए, सरकार बदल गई और पिछली बार 5 साल तक भाजपा की सरकार थी, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने का रुझान इस बगीचे के पक्ष में नहीं रहा होगा, काफ़ी पौधे पौधों ने तकलीफ उठाई, सैकड़ों पौधे रख रखाव के अभाव में जल गए,
उसका मुझे बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई, लेकिन नीति रूप से यहाँ लगातार मैं और हमारे साथी यहाँ घूमने के और इसकी देख रेख के लिए आते रहे। और फिर हमारा कांग्रेस का नगर पालिका का बोर्ड बना, उसके बाद में कुछ संभावनाएं जगी और अब जब राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार आ गई तो इसके बाद में कुछ विकास कार्य और तेज गति से बढ़े हैं। तो कहीं भी कुछ पेड़ पौधों को जरूर तकलीफ हुई, वो मुझे कष्ट। चौधरी साहब, विकास की बात आपने कही तो लाजमी एक मेरे जहन में सवाल आया और सियासी हलकों में चर्चा है और आपका विपक्ष भी इस बात को जोर देकर कह रहा है, आप इन दिनों आपकी सरकार बनने के बाद शहर का विकास तो आप भूल गए और बगीचे के विकास में आप कुछ राशि ज्यादा खर्च करो, ये क्या सत्य है क्या? देखो, इंदिरा गांधी शांति पार्क है, यहाँ कोई बहुत बड़ा बजट खर्च हो नहीं रहा है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं। नहीं, विधायक महोदय ने आरोप लगाया, विधायक महोदय ने आरोप लगाया कि चौधरी साहब शहर का विकास भूलकर इस इंदिरा गांधी पार्क के विकास में ही लगे हुए हैं। अब शहर का विकास कोई मेरे हाथ में तो है नहीं, नहीं आपकी सरकार है, आपका बोर्ड है और माननीय विधायक महोदय के हाथ में सारी चीजें हैं और वो अच्छा काम करें, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरा कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। आज ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस जगह अगर कुछ छोटे मोटे काम हो रहे हैं जो मेरे हमारे जेल में थे, आज बच्चे आते हैं, माता बहने आती है, आम आदमी आता है तो कुछ सुकून मिलता है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो, और जैतारण नहीं पूरे राजस्थान की तहसील मुख्यालय पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना बड़ा पार्क, विकसित पार्क कहीं भी नहीं है, तो अच्छी चीज हो रही है। अब शहर के विकास के लिए मेरे कार्यकाल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का प्रोजेक्ट हमारा रुका पड़ा है, आपके महिला अस्पताल के लिए 25 बीघा भूमि आवंटित। सर, शहर की कई सड़कें, कई कॉलोनी ऐसी है जहां सड़कें नहीं बनी है, जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहां सफाई व्यवस्था नहीं है, जहां रोड लाइटें नहीं है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा चूंकि बोर्ड आपका है। नहीं, हमारा बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, कांग्रेस बोर्ड बनने के बाद में अच्छे काम भी हुए हैं और काम जब होता है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, लेकिन बोर्ड ने जितना हो सकता है अपनी उस रूप में काम किया है। और भी कई अधूरे प्रोजेक्ट अभी हमारी सरकार बनी है और हमारा बोर्ड भी है, हमारा प्रयास भी रहेगा क्योंकि सारी जिम्मेदारी कोई मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं, जिम्मेदारी विधायक की होती है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार है तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ भी अच्छे काम होंगे उसमें हम सहयोग और समर्थन करेंगे। सर, बात आपने नकारात्मक की तो बात ही बात में आ गई, पिछले विधानसभा सत्र में मौजूदा विधायक अविनाश गहलोत ने लगभग 99 ऐसे सवाल नगरपालिका के खिलाफ किए, आपको लगता है को उन्होंने सही किया या क्या किया? तो मैं इसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, इन्होंने अगर कोई सवाल किए हैं तो उसका जवाब आ जाएगा, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। आज विधायक है, अपना सवाल लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर, राज्य के चिकित्सालय की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? व्यवस्थाएं चरमराई हुई ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, अस्पताल अब आप देखिए कि पिछली सरकार में जैतारण अस्पताल में 50 तरह की दवाइयां भी निःशुल्क उस दुकान पे, सरकारी दुकान पे नहीं थी। हमारी सरकार बनते ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहला ऐलान किया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देंगे और मेडिकल साइड में जो पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांचों का जो काम शुरू किया, आज जैतारण अस्पताल में करीब 450 तरह की निःशुल्क दवाएं होनी चाहिए, वो नहीं थी। हमारी सरकार बनते ही आज आप देखिए अस्पताल के निःशुल्क स्टोर पर 450 तरह की दवाई है, आपके हृदय रोगियों के लिए जो महंगे इंजेक्शन बाहर से लोग लाते थे वो सारे हमने उपलब्ध करवा दिए, चाहे ग्लूकोज के हो चाहे जो भी सुविधा है, अब आप आम मरीजों को अब फायदा होने लगा है। आज ओपीडी वापस आपकी 450 हुई है, डॉक्टर लगे हैं, कुछ और डॉक्टर हम लेके आएंगे, डॉक्टरों की कमी भी है। जैतारण पूरे प्रदेश में कई अस्पतालों में स्थितियां ये है, आज अच्छे डॉक्टर गांव में आना नहीं चाहते, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इच्छुक डॉक्टर है जो आना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जैतारण का हॉस्पिटल जो मेरे समय में बहुत शानदार था और माकूल प्रबंधन थे वो हम करेंगे। आप देखो कि जैतारण सीएचसी में आज आईसीयू वार्ड है, पूरे प्रदेश में आईसीयू वार्ड नहीं है, मेरे कार्यकाल में हमने इसको निर्मित करवाया और उसमें आज हृदय रोगियों के लिए 5 बेड जो लगे हुए हैं इसकी संख्या बढ़ाएंगे। आज आपका
ये जो आपका ऑपरेशन थिएटर है ऊटी, ये बंद पड़ा है। आईएमसी से डॉक्टर आ गया, सर्जन की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि छोटे मोटे आपके ऑपरेशन भी यहाँ हो सके। तो ये सारी व्यवस्था जो हमारी नजर में है, हमारा प्रयास रहेगा कि अस्पताल में और माकूल अच्छा प्रबंधन हो। चौधरी साहब, एक और सवाल है। जैतारण शहर में इस बात की चर्चा है, हालांकि मैं इस बातचीत से इतर बात कर रहा हूँ कि लोग दबी जमानी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो पर का विकास होगा और भाजपा का बोर्ड बनेगा तो शहर का विकास होगा, यह चर्चा क्यों चल रही है? शहर का विकास भी कांग्रेस राज में शानदार हुआ है। मेरे टाइम में आपके महिला खेल क्लब का हमने विकास करवाया। नहीं, वो उपेक्षित पड़ा है इन दिनों। उपेक्षित तो भाजपा राज में पड़ा है। नहीं, अभी भी तो उपेक्षित है सर। आप समझे नहीं, अभी तो सारी स्थिति मेरे हाथ में थोड़ी है, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ मॉनिटरिंग तो आपकी है ना, मॉनिटरिंग मेरी नहीं, मॉनिटरिंग तो जो जीते हुए जनप्रतिनिधि तो उनकी होती है। लेकिन हम इस राजनीति के अंदर है तो हमारा बिल्कुल सकारात्मक काम रहेगा। इस शहर के विकास के लिए हमने कोई, चाहे आपके शमशान भूमि हो, मेरे टाइम से पहले आप देखिए, उनके विकास के लिए हमने शुरुआत की। आज अस्पतालों की व्यवस्था हमने ठीक की, शहर में सड़कों का हमने उस वक्त प्रबंधन किया। आज कोई काम कोई हमने बाकी रखा नहीं। आज आपके महिला हॉस्पिटल हम लाने वाले थे, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से स्टेडियम की 40 बीघा भूमि हमने आवंटन करवाई। कोई काम हमने कोई कम नहीं किए शहर में। कोई आज ये जो आप सड़कें देख रहे हो, आज आगे हो बाईपास से लेके ये बांजोगुड़ी बाईपास तक, ये मेरे टाइम में स्वीकृत थी। आज बिजली के चौराहे से लेके आपके हरिजन बस्ती से लेके आगे वा चौराहे से जो सड़क आप देख रहे हो, ये मेरे टाइम में स्वीकृत थी। हमने जितना भी शानदार प्रोजेक्ट बनवाए, हमारी पूरी कोशिश थी। ये आपके बाईपास का जो डायग्राम, उस वक्त डीपीआर बनी, उस वक्त भी हम बैठे थे ताकि लोगों को लगे। मेरा रिंग रोड का प्रोजेक्ट था, आज रिंग रोड बनती तो शानदार शहर का एक स्वरूप बनता। हमने रिंग रोड के अंदर, उस वक्त हमने बजट घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की कि रिंग रोड बनेगी जैतारण शहर के चारों ओर, और शहर के अंदर जितनी भी आपके सेटलमेंट के पहले और बाद में जो सड़कें स्वीकृत है, वो सारी सड़कें का निर्माण होता, पेड़ पौधे लगते, लाइटों का प्रबंधन होता, कुछ छोटे मोटे बाग बगीचे भी बनते। तो इस रूप में हमारा पूरा एक मास्टर प्लान था पूरे शहर का, उसमें आगे बढ़े। लेकिन अब परिस्थितियां अलग बन गई, जनता ने मेरे को वापस मौका दिया नहीं। आप चौधरी साहब, मैं यही बात कर रहा था, आपने विकास बहुआयामी विकास किया, मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं इस बात को नकार नहीं सकता और जनता भी जानती है। लेकिन जैतारण की जनता आपको स्वीकार क्यों नहीं करती? आपको वोट कम क्यों? आमतौर पर वोटों की गणित देखा जाए तो आप पीछे तक क्यों हो, जबकि आप विकास की दृष्टि से इस शहर को जितना ऊपर करना था आपने किया? देखिए, अब ये तो परिस्थिति होती है चुनाव की। चुनाव में इस बार रुझान मेरे पक्ष में था, कई बार पोलिंग बूथ मैनेजमेंट कमी। मैं जैतारण शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में कोई मैं ज्यादा पीछे रहता नहीं हूँ। कांग्रेस की मेरे पीछे की स्थिति देखिए आप, मेरे विधायक कार्यकाल में पीछे जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते थे वो बहुत पीछे रहते थे। हमने सुधार किया है, मैंने तो हर जगह सुधार किया है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। हार जीत एक अलग पहलू है, चुनाव में अलग अलग परिस्थिति बन जाती है कि हमारे पार्टी विधायक लोग निर्दलीय खड़े हो गए, वो वोट मेरे तोड़ दिए, फिर भी और वोट परसेंटेज जो मेरा कांग्रेस का था वो घरों में रह गया, हमारा पोलिंग परसेंटेज पोलिंग बूथ में बढ़ा नहीं पाए। तो ये सारी परिस्थितियां कैलकुलेट करते हैं, तो ये वजह। बाकी लोगों का रुझान मेरे पक्ष में है। आज भी इलाके के अंदर आज भाजपा की प्रतिनिधि है, लेकिन लोगों में जो रुझान है नहीं, उनके पास तो सरकार नहीं है, आपके पास सरकार है ना। सरकार क्या होती है, विधायक के पास शक्तियां होती है, विधायक अपना सकारात्मक रूप है, हम उनके साथ में, हमको किसी नाराज थोड़ी है। अगर पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना कोई लेके आता है तो हमको नाराज थोड़ी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है। तो आज मैं हार गया तो क्या हो गया, मैं घर थोड़ी बैठा हूँ, हम भी काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं लगातार पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, आप हारे या जीते इस मैदान में तो आप लगातार सक्रिय रहे, ये बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी साहब, एक बात और जानना चाहूंगा इस बातचीत से इतर के, चूंकि बात तो अपनी इस बगीचे पे हो रही है, लेकिन ये अनाड़ी कलमकार की एक आदत है कि मैं बात राजनीति की करने लग जाता हूँ। आने वाले अपने नगरपालिका चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? हालांकि अभी तक ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि नगरपालिका अध्यक्ष की सीट किस खाते में जाएगी, तो आपका रुझान उस दौर में क्या रहेगा? नगरपालिका में हमारी स्थिति ठीक रहेगी, लोगों का रुझान अभी आप देखो, पंचायत समिति के चुनाव हुए, अब 9 सीटों पर हम जीते हैं, 2 सीट पे बीजेपी है। नहीं, वो राजस्थान की, मैं जैतारण की बात कर रहा हूँ। लोगों का देखो, स्वायत्त संस्थाएं पंचायत राज में, इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है और पिछले 6-7 महीने में सरकार ने बहुत ही शानदार बेमिसाल काम किए हैं। एक एक योजनाएं आप देखिए,
सब शानदार आम जनित में, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे पंचायत राज हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में विकास की बात हो, आज चाहे बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो। आज गहलोत साहब आप देखिए एक से बढ़कर एक रोजाना घोषणाएं कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो वो लोगों को हमको फायदा मिलेगा कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री पिछले 7 साल में जो जनहित में शानदार काम कर रहे हैं उसका जो है रिजल्ट और फायदा कांग्रेस को नगर पालिका और पंचायत राज में मिलेगा। चौधरी साहब एक अंतिम सवाल और है, जैतरण क्षेत्र के विकास के लिए आपकी भव्य योजना क्या है, शहर के विकास के लिए आपकी भव्य योजना क्या, जो कम शब्दों में। हमारे दिल में तो कई नक्शे बने पड़े हैं, अब कितना पार पड़ता है वो अलग बात है, हमारी कोशिश रहेगी। स्टेडियम का मामला है, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो इंडोर स्टेडियम किस रूप में बने, आज हॉस्पिटल का माकूल प्रबंधन हो, आज शहर के पानी निकासी का प्रबंधन हो। हाँ सर, आपने बात छेड़ दी, तो जैतरण शहर की भी एक मुख्य समस्या यह है कि शहर में बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही, और वोट आपका है और आप बार बार ये बात दोहराते भी हो, इस बात को आप भी स्वीकार करते हो। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ ना, शहर में जो भी प्रॉब्लम है उसका किस रूप समाधान हो, कई बार पार पड़ती है, कई बार फंडिंग की वजह से नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार मैंने कहा है विभाग के अधिकारियों में कहा है कि अभी इसका एक आप जो है DPR बनाइए, इसका जैतरण को 2 पार्ट में डिवीजन करके, और इसका पानी कैसे बाहर निकले, क्योंकि परमानेंट समस्या है, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जाना, पंचायती राज में अभी पिछले दिनों पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, बात में आगे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे कि उसमें राजनीति की गई। नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, मैं कभी बैठा ही नहीं, ये तो नियम प्रक्रिया के तहत ये पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, और जो नियम बनाए सरकार ने पुनर्गठन के लिए कि न्यूनतम 4,000 आबादी, 2011 की अधिकतम 6,000, 10% कम ज्यादा, जो एडजोइनिंग गांव है जिनकी सीमाएं मिलती हुई है, जिनकी आबादी पूर्व में ज्यादा है, उसका विभाजन कैसे किया जाए, तो अधिकारियों ने सोच समझ के जो भी नियम प्रक्रिया में था वही काम किया है। धन्यवाद, ये थे दिलीप जी चौधरी, और साहब से कहना चाहूंगा आप 2 मिनट तक बैठे रहे, मेरे साथ मौजूद है जैतरण नगर पालिका की शिक्षित पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी भाटी, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि शहर का क्या हालचाल है, इन दिनों बरसात का मौसम है, जगह जगह से शिकायत आ रही, क्या आपके पास वो शिकायतें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जी धन्यवाद खान साहब पहले तो, और जैसे कि आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम है तो पानी तो भरना ये जरूरी है, और पानी जहाँ जहाँ भरा गया है वहाँ निकालने की भी है ना कोशिश की गई नगर पालिका द्वारा, और जो पानी है घरों का वो सीवरेज में लाइन में जा रहा है, और जहाँ पर है जैसे डूब क्षेत्र में जहाँ है कजा बस्तियों में कच्ची बस्तियों में पानी है, वह हमने JCP से और मशीन की सहायता से भी निकलवाया है, और भी ऐसी कई समस्या जहाँ से जरूरत से ज्यादा पानी भरा गया, वह हमने कलेक्टर साहब से वो लिख दिया है, 5 बोरवेल खुदवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई, जल्द से जल्द वो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंजू जी भाटी, निसंदेह मैं इस बात को मानता हूँ कि पिछले 4 साल में आपके कार्यकाल में इस शहर का विकास हुआ, लेकिन एक मेरी मन में एक टीस है, और सहित आपको भी इस बात का होगा, आपने ससुराल में तो सड़क बना दी लेकिन अपने पीर में अब तक सड़क नहीं बनवाई। बात ससुराल और पीहर की नहीं है, ये पूरा देश, ये पूरा जैतरण शहर मेरा परिवार है, इसमें कोई ससुराल पीहर की कोई बात नहीं, नहीं है। लोग मुझे शिकायत करते हैं, लोग आपको क्या, लोग मुझे भी कहते हैं जब मेरे पीहर की तरफ जाते हो या फिर उससे जाते हो कहते हैं कि बेटा पूरे गांव में सड़क बन गई, अपने घर का बनेंगे। मैंने कहा पहले पूरे गांव को आगे बढ़ने दो, अपनी सड़क भी बन जाएगी, अभी का टाइम भी बाकी है तो काम भी बाकी है, तो मैं उनसे वादा करती हूँ कि निश्चित ही कार्यकाल पूरे होने तक पूरी सड़कें बन जाएगी जो अधूरी है वो। धन्यवाद, तो मैं ये शहरवासियों को और लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि आपके पीहर की जो अधूरी सड़क है, जो शहर की अधूरी सड़क, वो बन जाएगी आने वाले समय में, बन जाएगी, निश्चित ही बन जाएगी। धन्यवाद, ये थे माननीय दिलीप जी चौधरी और ये श्रीमती मंजू जी भाटी, जो आज जैतरण न्यूज की से सीधी बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने इससे पहले इसे इंदिरा गांधी सार्वजनिक नगर पालिका के इस पार्क में दैनिक भास्कर एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आईबी खान, धन्यवाद, जय हिंद। आप हमारा जैतरण न्यूज़ YouTube चैनल जरूर देखें और इस कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करें।